नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में आया भूकंप, 4.8 की रही तीव्रता। ईडी की टीम ने भिलाई में कांस्टेबल के घर मारा छापा, देर रात तक चली कार्रवाई। चुनाव आयोग आज करेगा गुजरात हिमाचल की चुनाव तारीखों का ऐलान। 2027 तक पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगा भारत। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से हर साल रहेंगे मुकाबले। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह लगभग 5:28 पर महसूस किए गए थे, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8 मापी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक इस भूकंप से किसी भी प्रकार की जान माल की हानि पुष्टि नहीं की गई है। भूकंप के आने से मुख्य वजह धरती के अंदर प्लेटों का टकराना है। धरती के भीतर ऐसी 7 प्लेट्स होती है जो लगातार घूमती रहती है। जब ये प्लेट्स किसी जगह पर आपस में टकराती है तो वहाँ फॉल्ट लाइन जोन बन जाता है और उस सतह के कोने मुड़ जाते हैं, जिस वजह से वहाँ दबाव बनता है। प्लेट्स टूटने लगती है, जिसके अंदर एनर्जी बाहर आने की कोशिश करती है और हमें धरती हिलती हुई महसूस होती है, जिसे हम भूकंप मानते हैं। अब हाल ही में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है, जिसको लेकर कई अफसर और व्यापारी संदेह के घेरे में हैं। इसी के चलते कल शाम को ईडी की टीम ने दुर्ग में एक पुलिस कांस्टेबल अमित दुबे के घर में छापा मारा है और करीब 4 घंटे चली जांच के बाद कांस्टेबल को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि एक IAS अफसर के बंगले से दस्तावेज के हेरफेर को लेकर यह कार्रवाई की गई थी। सूत्रों के मुताबिक कांस्टेबल के घर में 16,000 रुपए कैश और आईफोन के 2 खाली डिब्बे मिले हैं, जिन्हें ईडी की टीम जब्त कर अपने साथ ले गई है। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल होने के बावजूद अमित दुबे ऊंची पहुंच वाला है, उसके कई अफसरों से नजदीकी संबंध है। इनमें पुलिस के अलावा अफसर से लेकर IAS तक शामिल है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, जिनको लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार इन प्रदेशों में दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि गुजरात विधानसभा का कार्यकर्ता 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है। फिलहाल 182 सदस्य विधानसभा के अंदर 111 विधायक भाजपा के हैं, जबकि कांग्रेस के पास 62 विधायक हैं। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी को खत्म होगा और फिलहाल 68 सीटों वाली इस विधानसभा में भाजपा के पास 45 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पाले में 20 विधायक बैठे हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 2023 से 2027 तक के लिए अपना प्रोग्राम जारी कर लिया है, जिनमें आने वाले 5 सालों में भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेगी। BCCI ने जो प्रोग्राम बनाया है उसमें पाकिस्तान का कॉलम खाली रखा गया है, पर ICC टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे और अगले साल ही पाकिस्तान विश्व कप खेलने के लिए भारत आएगा। इसके बाद 2025 में भारत की चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रोग्राम के तहत भारतीय टीम ICC या ACC टूर्नामेंट खेलने के अलावा 38 टेस्ट खेलेगी। इसमें 20 टेस्ट भारत के होंगे और 18 टेस्ट विदेश में खेले जाएंगे। इन 5 सालों में भारत 42 वनडे मैच खेलेगा, जिसमें 21 मैच घर में और 21 मैच बाहर खेले जाएंगे और इन 5 सालों में भारत कुल 61 T20 मैच खेलेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।